हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। दोस्तों, SAT का अभ्यास 7 है, यह 36वां वीडियो है दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट का। जैसा कि दोस्तों वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुन चुन के मैं लाई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आपने MP टेट दिया होगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे प्रैक्टिस कराए हुए में आए थे। तो दोस्तों, चाहे आप अब MP टेट आपने दे दिया है, IMP सुपर टेट यानी मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UP TGT PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPLT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, थ्योरी सेशन, MCQ सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें, वन लाइनर क्वेश्चन, सभी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के एक एक चीज को आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों UP TGT PGT का भी एग्जाम जल्द ही होने वाला है, जैसा कि जुलाई लास्ट या अगस्त लास्ट तक आपका UP TGT PGT का एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो सितंबर तक। तो दोस्तों, आपको तैयारी करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तैयारी पर लग जाइए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इतना हाई कंपटीशन है इस दौर में, और क्वेश्चन भी सीधे साधे नहीं पूछे जा रहे हैं, एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसको देखते हुए मैं आप सबको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए जिससे आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा, जब आप अपना डेडिकेशन डेली बेसिस से बनाए रखेंगे। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किन्सियोलॉजी का अर्थ है। तो दोस्तों, किन्सियोलॉजी, किन्सिस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। किन्सिस से अर्थ होता है गति, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि गति का विज्ञान, गति का अध्ययन, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो किन्सियोलॉजी का यहां पे अर्थ हो जाएगा शरीर गति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान की मदद से शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कोच, फिटनेस ट्रेनर तथा इस शिक्षा को प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार करते हैं। तो ये कैसे तैयार करते हैं? मूलभूत कौशल सिखाकर, बेसिक स्किल सिखाते हैं, एंड मोटर कौशलों में विशेषता लाते हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशन इन मोटर स्किल। तो यहां पे आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव यांत्रिकी यानी बायो मैकेनिक्स का अर्थ है। तो दोस्तों, जैव मतलब बायो मतलब जीवित प्राणियों, जो बायोमैकेनिक्स का अर्थ होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, जीवित प्राणियों की गतियों का अध्ययन बायोमैकेनिक्स का अर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की इकाई यानी कि यूनिट क्या है? तो दोस्तों, एक्सीलरेशन की इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां बट्टा में दे दिया है, ध्यान में रखिएगा, होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, गति की सीमा कहलाती है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, किसी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी में उपयोगी पूर्ण गति ही गति की सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिकल सिद्धांतों यानी थ्योरी के उपयोग का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों? यह प्रतिष्ठित रूप एंड परिमाणात्मक रूप दोनों के रूप में किया जा सकता है। यहां पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपने कितना कर पाया, अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा कि आपको अभी कितना पढ़ने की जरूरत है, और समझिएगा, क्योंकि समझने के बेस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, याद करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाली अस्थियों के प्रकार हैं।
जैसे कि दोस्तों मैं अपने हड्डी वाली वीडियो में बताई हूँ कि आकार और आकृति के आधार पर अस्थियों को 5 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन। तो यहाँ पे आपका लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, अनियमित अस्थियां, ये सभी आपके अस्थियों के क्या है, प्रकार है। जिसमें से लंबी अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं। लंबी अस्थियां में खोखला भाग होता है, उसको हेवेसियन नाल कहते हैं। उसी में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, बोन मैरो होता है उसमें, ठीक है। लंबी अस्थियों के बीच वाले खोखले भाग को हेवेसियन नाल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों कई बार मैंने बताया है कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ क आपका करेक्ट हो जाएगा। वेग यानी कि वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तनों की दर ही त्वरण कहलाता है, यानी एक्सीलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वृत्ताकार गति यानी सर्कुलर मोशन के दौरान किसी वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक बल होता है केंद्र केंद्र की तरफ, जिसे हम अभिकेंद्रक बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड एक होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, तो उसे कहते हैं अपकेंद्रक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप हैमर थ्रो को घुमाते वक्त हैमर थ्रो कर रहे हैं, तो हैमर थ्रो को जब हैमर को घुमा रहे हैं तो केंद्र की तरफ बल लग रहा है, यानी अभिकेंद्रक बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और जब आप घुमा करके फेंकने लगते हैं तो फेंकते समय जो फोर्स लगता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है, यानी कि अपकेंद्रक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन अथवा दबाव यानी कि कंप्रेशन और प्रेशर का कार्य करने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो वह दबाव बल यानी कि प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है खींच कर लाना यानी टू पुल को परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। तरल बल जो गति का प्रतिरोध करने में कार्य करता है वह खींच कर लाना कहलाता है। नेक्स्ट है फोर्स यानी बल निम्न में से संबंधित है। दोस्तों बल यहां पे ऑप्शन है धक्का या खींचना यानी पुश और पुल, ए संभव हो सकता है फोर्स यानी बल के द्वारा ही। बलपूर्वक किसी चीज को फेंकना थ्रो करना ये भी आपको बल के द्वारा ही संभव है। एंड खींचना किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं वो भी आपका टू पुल यानी खींचना ये भी आपका बल के द्वारा संभव है। यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। सभी तीनों ऑप्शन आपके बल से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक धुरी यानी एक्सिस जिसके बिंदु के चारों ओर घूर्णन यानी रोटेशन होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो एक्सिस होता है एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है उसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष यानी धुरी कहते हैं। और एक्सिस बिंदु जो एक्सिस होता है उसके चारों ओर जो घूर्णन या रोटेशन या गति होती है उसको प्लेन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में 3 प्लेन होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन को हम मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे यह होती है यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। दूसरा प्लेन होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं। ये हमारे शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है यानी एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और इसमें रोटेशन और सभी प्रकार की गतियां होती हैं, सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है। एंड एक्सिस भी 3 होती है, प्लेन भी 3 होती है, ये दोनों को याद रखिएगा। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए प्लेन एंड एक्सिस वाले वीडियो को किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक वस्तु की गति का प्रतिरोध कहलाता है। तो दोस्तों एक वस्तु की गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के चैप्टर में घर्षण के बारे में बताया है
कि एक वस्तु के गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कहलाता है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु के पदार्थ यानी मैटर की मात्रा में शामिल होते हैं। तो इसमें किसी वस्तु के पदार्थ में की मात्रा में शामिल होती है उसकी क्वांटिटी यानी कि परिमाण। नेक्स्ट है, द्रव्यमान यानी कि मास और वेग यानी वेलोसिटी का गुणनफल प्रोडक्ट कहलाता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? मोशन यानी संवेग कहलाता है। ठीक है, मोमेंटम यानी कि संवेग कहलाता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक नहीं है, सभी चीजों को बेहतरीन ढंग से समझिए। नेक्स्ट, जो कार्य यानी वर्क हो चुका है उसको करने की दर यानी रेट कहलाती है, तो वो कहलाती है शक्ति यानी कि पावर। नेक्स्ट है, गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, मैंने आपके संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस वाले वीडियो में बताया है कि जिस वस्तु का गुरुत्व केंद्र जितना ही नीचे होगा उसका संतुलन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जहां पे किसी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वहां पे गुरुत्व केंद्र होता है। उस वस्तु के 55-60% वाले भाग पर गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। जिस वस्तु के जितना भी नीचे गुरुत्व केंद्र होगा उसका संतुलन उतना ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का गुरुत्व केंद्र नीचे होता है क्योंकि उसके नीचे का भाग ज्यादा भार होता है, एंड संतुलन वाली क्रियाएं महिलाएं पुरुषों से बेहतर कर लेती हैं, और बच्चों में पुरुषों से भी ऊंचा आपका गुरुत्व केंद्र होता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस समय कुछ भी पूछ सकता है, सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, घूर्णन यानी कि रोटेशन व स्पीड यानी गति की प्रवृत्ति का मुख्य प्रभाव क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बल आघूर्ण। नेक्स्ट है, बल यानी फोर्स एवं दूरी यानी डिस्टेंस का गुणांक क्या कहलाता है? ठीक है, बल और दूरी का गुणांक क्या कहलाता है? बल और दूरी का गुणांक कहलाता है कार्य यानी वर्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर के ढांचों के मापन यानी मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु के परिमाण यानी क्वांटिटी में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन उत्पन्न होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वजन यानी कि वेट। इसको आपको डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि इस वीडियो में उतने अच्छे से नहीं समझा सकती। नेक्स्ट है, एक बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो शरीर द्वारा किए गए कार्य में लगता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाता है? बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है बल वाले वीडियो में कि बल दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्स, एक बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। आंतरिक बल मांसपेशियों द्वारा लगाए जाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, घर्षण बल, ये सभी एक्सटर्नल फोर्स में आ जाएंगे। जैसे कि हम अपने आंतरिक बल यानी मांसपेशीय बल के द्वारा किसी बाल को थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद बाल लुढ़कते हुए जाता है, कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाता है। तो रुक क्यों जाता है? हवा का प्रतिरोध, घर्षण बल यानी बाह्य बल के कारण वह रुक जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, जब भी आंतरिक बल की बात करें तो मांसपेशी पे जाइएगा। नेक्स्ट है, वह बल जो दो सतहों यानी सरफेस के मध्य परस्पर प्रतिरोध उत्पन्न करने में लगता है तथा एक दूसरे पर आरोपित करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो दो सतह हो, जैसे कि एक खुरदुरा सतह होगा, एक चिकना सतह होगा, आप चल रहे हैं, आपके पैर के तलवे का सतह और जमीन का सतह, दो सतह हुआ, उस पर हम जो खुरदुरा सतह है तो हमारा जो घर्षण होगा वह
अच्छा होगा। अगर चिकना सतह होगा तो घर्षण कम होगा और हम फिसल के गिर जाएंगे। तो यहाँ पे वह बल जो दो सतहों के मध्य परस्पर प्रतिरोध उत्पन्न करने में लगता है, एक दूसरे पर आरोपित करता है, तो वह कौन सा बल कहलाता है दोस्तों? वह बल कहलाता है घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संक्षिप्त में आइसोकाइनेटिक की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति यानी स्पीड, यानी सेम गति, स्थिर गति, एक फिक्स्ड गति होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, स्थिर गति यानी कि फिक्स्ड गति। जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं, कौन कौन सी तीन विधियां हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने की, जैसे कि मैं इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ और ये हर बार एग्जाम में 100% पूछा जाता है, चाहे स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। इन तीनों में से एक न एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है, तो क्यों ना आप इसको कंठस्थ कर लीजिए इसके सभी पार्ट को। तो आइसोटोनिक की खोज ली डोने ने 1953 में किया था। इसका मतलब होता है आइसो प्लस टोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव बना रहता है। पेशी छोटी बड़ी होती है, गति होती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती है आइसोटोनिक में, शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है। आइसोटोनिक के अंतर्गत कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बॉल थ्रो आदि उपकरणों के साथ या बिना उपकरणों के साथ, दोनों के साथ किया जाता है। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक, जिसकी खोज हेटिंगर और मुलर ने 1954 में किया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रिक लंबाई यानी सेम लंबाई, इसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है, पेशी लंबाई सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर अवस्था होती है जैसे दीवार को धक्का देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके MP TET में आया हुआ था आइसोमेट्रिक, दीवार का धक्का देना, ठीक है। एंड तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसकी खोज जेम्स पेरिन ने 1968 में किया था। यह मशीनों की सहायता से आइसोकाइनेटिक किया जाता है। आइसो मतलब सेम और काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति होती है, एक फिक्स्ड गति होती है, मशीनों की सहायता से किया जाता है। ज्यादातर ये पानी वाले खेलों में जैसे रोइंग, नाव खेना, तैरना आदि में ज्यादा किया जाता है आइसोकाइनेटिक। यह विस्फोटक शक्ति और शक्ति संहिता दोनों प्रकार का विकास करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम यह भी कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं। कौन कौन से तीन नियम? न्यूटन का प्रथम नियम आपका कहलाता है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन ने इस नियम को, गति के तीनों नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। इनके तीन नियम, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अक्रमणता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। और दूसरा नियम इस न्यूटन का है संवेग का नियम, जिसे त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है इनका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ या काउंटर फोर्स लॉ, लॉ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। इन तीनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप न्यूटन्स लॉ के वीडियो को देखिए किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूटन का कौन सा नियम त्वरण यानी एक्सीलरेशन का नियम कहलाता है? तो दोस्तों द्वितीय नियम को त्वरण या एक्सीलरेशन का नियम या संवेग का नियम बोला जाता है। नेक्स्ट है, घूर्णन यानी कि रोटेटिंग को मापने में प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें डायनोमीटर जो होता है, डायनोमीटर लिखा है, डायनमो नहीं लिखा है, ठीक है, डायनोमीटर लिखा हुआ है, डायनमो नहीं लिखा है। डायनोमीटर तो आपका कमर, पैर, हाथ आदि की ताकत यानी स्ट्रेंथ को मापने का कार्य करता है, और डायनोमीटर जो होता है शरीर की बनावट मापक यंत्र होता है। तो डायनोमीटर क्या है? शरीर की बनावट मापक यंत्र है। और गोनियोमीटर लचीलापन को मापता है जोड़ों पर, ठीक है। एंड आपका स्टेडियोमीटर जो होता है, स्टेडियोमीटर शरीर की लंबाई
ऊंचाई और लंबाई मापक यंत्र है। तो यहाँ भी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोटेशन यानी घूर्णन को मापने में एक प्रयुक्त उपकरण क्या है, पोटेंशियोमीटर। क्या होगा, पोटेंशियोमीटर। इस प्रकार तीन चीजें आप जानते रहेंगे तो चौथा ऑप्शन आप आराम से ढूंढ लेंगे कि कौन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन के बराबर होता है, तो एक न्यूटन के बराबर होता है 0.22 पाउंड। नेक्स्ट दोस्तों, बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहां पे आपका हो जाएगा एफ बराबर एम ए, एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान और ए से एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी प्रेरक कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए मिली जुली मांसपेशियों द्वारा किया गया गामक कार्य क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सहक्रमिता यानी साइनर्जी। नेक्स्ट है, मानव के कार्पस में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों कार्पस यानी कलाई की बात कर रहा है यह, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं हाथ के कलाई यानी कार्पस में, और पैर के टार्सस हड्डियों की बात करेगा तो वहां पे 7 पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मानव के कार्पस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अस्थियां ताकत देने का कार्य करती हैं, तो दोस्तों यह लंबी अस्थियां करती हैं। इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूजन हूं क्योंकि सभी जगह लंबी अस्थियां ही दे रहा है, मन में तो चल रहा है छोटी अस्थियां, बट यहां पे लंबी अस्थियां जब आंसर दिया है तो लंबी अस्थियां को ही मान रहे हैं। जैसे कि लंबी अस्थियां के जो खोखले भाग होते हैं उसमें, उसको हेवेल्सियन नाल कहते हैं, इसी में बोन मैरो होता है जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी रक्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हड्डियों का घनत्व ज्यादा किसमें होता है, तो हड्डियों का घनत्व जो होता है वो पुरुषों में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ है जिसमें पारस्परिक तंत्रिका इंटरप्रेशनल नर्व ज्वाइंट वितरण होता है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह आपका होता है सैडल ज्वाइंट, जिसमें जिसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति भी कहते हैं, जिसमें अंगूठा समस्त उंगलियों के पास जा सकता है। ठीक है, ये एक चल संधि है, जैसा कि मैंने बताया है चल अचल अर्धचल तीन प्रकार की संधियां होती है। जैसे कि आपके एमपी टेट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइबर ज्वाइंट किसे कहते हैं, तो फाइबर तंतुमय ज्वाइंट आपको अचल संधि को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। आपको डीपली अगर पढ़ेंगे एक एक पॉइंट ध्यान देकर के, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहां से पूछेगा, आपके सिलेबस में ही तो पूछेगा, उसको रट जाइए समझ के। ठीक है, नेक्स्ट, कार्पस जोड़ किसका उदाहरण है, तो कार्पस जोड़ जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, चल संधि जो होता है वह 6 प्रकार का होता है, चल संधि जो है वो 6 प्रकार का होता है। चल संधि कौन कौन से, चल संधि जैसे कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलती है जिसमें कार्पस और टार्सस ज्वाइंट आ जाता है, और दूसरा होता है बैलेंस साकेट ज्वाइंट जिसमें, जिसको कंदुक खरिका संधि भी कहते हैं, हड्डी का एक गोल सिरा दूसरे हड्डी के कप के आकार के सिरे में फंसा रहता है, जिसमें आपका शोल्डर ज्वाइंट यानी कि ग्लेनॉइड कैविटी आता है, एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा जोड़ कोर संधि भी बोलते हैं, इसमें एक तरफ ही गति होता है, एक तल में एक ही दिशा में, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है उसी तरह हिंज ज्वाइंट भी एक तरफ गति करता है, जैसे कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ हिंज ज्वाइंट में आएगा। एंड कार्निलायर ज्वाइंट में क्या आ जाएगा, दो तलों में गति होता है, इसमें घूर्णन नहीं होता है, जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट, कलाई का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं दिया है तो यहाँ पे कार्पस का मतलब होता है, हो रहा है कलाई यानी कि कलाई का ज्वाइंट दो तल में गति हो रहा है, तो वहां पे हो जाएगा कार्निलायर ज्वाइंट, यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा चल संधि में आपका होता है पीवट ज्वाइंट जिसे हम धुराग्र संधि कहते हैं, जिसमें रोटेशन मोमेंट होता है, एक हड्डी का नुकीला सिरा दूसरे, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे में घूमता है, जैसे हमारे सिर की गति हो गया, रेडियस अल्ना की गति हो गया। एंड छठवां होता है सैडल ज्वाइंट जिसे परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि कहते हैं, किसी भी दिशा व तल में गति होती है इसमें, जैसे हमारा अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है।
तो दोस्तों ये भी आपका गति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया था एमपीटेट वर्ग 3 और 4, 2 और 3 में, जैसे कि इसे एम्फियार्थ्रोसिस किसे कहते हैं, डायार्थ्रोसिस किसे रिलेटेड है, ये पूछा गया था। तो मैंने आपको दास एट्रिक बताया है, ठीक है, डी ए एस, यानी कि चल, अर्धचल, अचल। चल संधि को हम डायार्थ्रोसिस भी कहते हैं, चल संधि को डायार्थ्रोसिस भी कहते हैं, अचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। चल संधि को डायार्थ्रोसिस, अर्धचल को एम्फियार्थ्रोसिस और अचल संधि को साइनोथ्रोसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट भी कहते हैं, तंतुमय ज्वाइंट, अर्धचल को कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहते हैं, अचल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस समय बहुत ज्यादा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तल यानी प्लेन है जो मानव शरीर को ऊपरी और निचले भागों में बांटता है। तो ऊपरी और निचले भागों में हॉरिजॉन्टल प्लेन बांटता है, जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अस्थि को छोड़कर सभी में कोणीय संधि यानी एंगुलर ज्वाइंट पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, इन तीनों में कोणीय संधि पाई जाती है, जबकि स्केपुला में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रभुजा यानी कि फ्रंट आर्म की प्रमुख अस्थियां है आपका रेडियस और अल्ना है। कौन सा है, रेडियस और अल्ना अस्थियां है प्रमुख अस्थियां फोर आर्म की, अग्रबाहु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धावक की स्थिति सेट आदेश के दौरान होती है, जैसे कि स्प्रिंट दौड़ों में तीन कमांड दिया जाता है, आन योर मार्क, सेट और गन फायर। तो सेट स्थिति में हमारा जो बॉडी पोजीशन होता है अस्थिर साम्यावस्था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, पूरा भार हमारे हाथों पर होता है। नेक्स्ट, कौन सी प्रकार का तंतु लंबी अवधि की गतिविधि में थकान का विरोध करने में सक्षम होती है, जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर में मांसपेशी तंतु, कंकाल पेशियां दो प्रकार के तंतुओं से बनी होती है, एक रेड मसल फाइबर जिसे स्लो ट्विस्ट फाइबर कहते हैं, यह लंबी अवधि की क्रियाकलापों में ज्यादा काम करती है, सक्षम होती है, या दूसरा होता है व्हाइट मसल फाइबर जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, तीव्र तंतु होता है जो अनएरोबिक क्रियाएं यानी कम समय की क्रियाओं में ज्यादा काम करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रकार के तंतु लंबी अवधि की क्रियाओं गतिविधि में सहायक थकान का विरोध करने में सक्षम होती है यानी एरोबिक क्रियाओं में, तो वह होता है मंद तंतु यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर। नेक्स्ट, जो मांसपेशियों जोड़ों को मोड़ने का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो मोड़ने का कार्य करती है उसको हम फ्लेक्सर मांसपेशी कहते हैं, जो फैलाने का काम करती है उसको एक्सटेंसर मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट है, साइनोवियल जोड़ है, तो दोस्तों साइनोवियल जोड़ जो चल संधि को हम कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्र गतिशील इनडिपेंडेंट डायनेमिक जोड़ जो होता है उसको हम साइनोवियल जोड़ कहेंगे। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तंतुदार संधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एमपीटेट में कि तंतुदार संधि कौन है। तो तंतुदार यानी फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं खोपड़ी के जोड़ को, ठीक है, खोपड़ी के जोड़ को सूजन भी बोला जाता है एंड तंतुदार संधि भी बोला जाता है। ये सब चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। एंड अचल संधि में आपका आता है खोपड़ी की संधि यानी सूजन एंड आपका एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट जिसे हम सिंडोमोसिस बोलते हैं और हमारे दांतों का जोड़ जिसे हम गोनफोसिस या पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, ये चीजें आती है आपका अचल संधि में। और अर्धचल संधि में जिसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है इसमें आपका रीढ़ की हड्डी यानी कि इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट एंड प्यूबिक सिंफेसिस आपके टेल बोन के पास की जो सबसे निचला कूल्हे के नीचे का जो हिस्सा होता है वो जोड़ आता है एंड हमारी रिप्स यानी कि पसलियों का ज्वाइंट अर्धचल संधि में आता है। नेक्स्ट, अग्रगामी यानी फॉरवर्ड और पश्चगामी यानी बैकवर्ड का समानार्थी क्या है। अग्रगामी मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, यहां पे आप हो जाएगा आगे और पीछे। नेक्स्ट दोस्तों, उदर कशेरुका यानी लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है। तो लंबर वर्टिब्रा में 5
वर्टिब्रा यानी कि 5 वर्टिब्रा होती है, कितनी होती है लंबर वर्टिब्रा में, 5 होती है, ठीक है 5 होती है। सर्वाइकल यानी कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है कुल 33 हड्डियां उसमें होती हैं, 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। छोटे बच्चों का पूछेगा तो 33, बड़ों में पूछेगा तो 26, और सीधे पूछेगा कितनी होती है तो 33, ठीक है। तो 33 में आपका जो 7 होता है सर्वाइकल बोन यानी गर्डर की जो वर्टिब्रा होती है, एंड 12 आपका वच यानी थोरेसिक बोन होती है, एंड 5 आपका लंबर हो गया, एंड नीचे जो कॉक्सिजियल सेक्रल और कॉक्सिजियल होती है, तो जो सेक्रल होता है 5 हड्डियों से मिलकर एक बनता है, कॉक्सिजियल 4 से मिलकर एक होता है। इस प्रकार 33 होती है कुल मिलाकर के, जो सेक्रल होता है 5 मिलकर एक और कॉक्सिजियल 4 मिलकर एक हो जाती है, जिसके कारण वयस्क होने पर 26 हड्डियां बचती हैं। नेक्स्ट है, एक अस्थि जो उपास्थि को प्रतिस्थापित कर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रतिस्थापित अस्थि। नेक्स्ट है कि एक अस्थि जो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के परिवर्तन के द्वारा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निवेशित अस्थि यानी इनपुट बोन कहा जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के परिवर्तन के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड़ी की अस्थि का विशेष कार्य क्या है। दोस्तों जैसे कि हमारी एड़ी की अस्थि नहीं होती तो हम अच्छे ढंग से खड़े नहीं हो पाते, पूरे शरीर का भार उठता है, यानी कि एक शक्ति प्रदान करता है, क्या करता है शक्ति देता है। नेक्स्ट दोस्तों साइनोवियल संधि का उदाहरण इसमें नहीं है, इसका आंसर करेक्ट दीजिएगा। साइनोवियल संधि यानी कि चल संधि की बात कर रहा है, जिसको डायरेथोसिस भी बोला जाता है, तो ये फ्रीली मूवेबल भी बोला जाता है, तो चल संधि के अंतर्गत यहाँ पे कोण नहीं है ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका कोहनी की संधि यानी कि घुटने की संधि, कंधों की संधि, तीनों आपका चल संधि यानी साइनोवियल संधि का उदाहरण है, बट आपका इंटरवर्टिबल संधि जो है अर्धचल संधि का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो मायोलॉजी कहलाता है पेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। स्कल पूछेगा, स्कल में आपका खोपड़ी हमारा चेहरा कान एंड क्रेनियल बोन एंड हायर बोन सब आ जाता है, तो यहाँ पे कभी कभी 22 दिया रहेगा, कभी 29 दिया रहेगा, तो 22 दिया रहेगा तो 22 सही रहेगा, 29 दिया रहेगा तो 29 सही रहेगा। जैसे कि 14 हमारे चेहरे में, ठीक है 8 हमारे क्रेनियल बोन एंड 6 हमारे कान में, दोनों तरफ 3-3 बोन एंड 1 हायर बोन, पूरा मिलाकर के 29 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रख के देखना है, क्रेनियल सीधे पूछेगा तो 8 हड्डियां हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों कलाई में कार्पल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो जो कलाई में कार्पल अस्थियां होती है वो 8 होती है, ध्यान में रखिएगा। वहीं पे आपके एंकल में यानी कि पैर के एंकल में टार्सस हड्डियों को पूछेगा तो वहां पे 7 होती है। नेक्स्ट दोस्तों मानव हाथ में कौन सा लीवर तंत्र प्रचलित होता है, तो ज्यादातर हमारे शरीर में 3rd प्रकार का लीवर होता है, तो हाथ में लीवर तंत्र ज्यादा प्रचलित है 3rd प्रकार का। अगर हम हाथ को फैला रहे हैं एक्सटेंशन बोल कर रहे हैं तो वहां पे 1st प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, जब मोड़ रहे हैं फ्लेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे 3rd प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। जब भी पूछेगा एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म तो वहां पे 1st प्रकार का उत्तोलक होगा, और फ्लेक्शन आर्म फ्लेक्शन बोलेगा तो 3rd प्रकार का, यानी कि मानो हाथ में कौन सा लीवर तंत्र प्रचलित है तो 3rd प्रकार का। 3rd प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स होता है वो बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस की, जैसा कि मैं इसके लिए कई बार ट्रिक बता चुकी हूं, आपको याद होगा आप सबको, FAR 312। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो आप सबको पता है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत,
टीसीयू का अध्ययन मायोलॉजी, संधियों का अध्ययन आर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है अवधि यानी पीरियड मापन है, तो यह समय का यानी टाइम का मापन है। नेक्स्ट है चाल की इकाई यानी यूनिट क्या है, दोस्तों यह यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो यहां पे इसकी दो चीजें होती हैं, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर के साथ प्रति सेकेंड दिया रहेगा वो सही रहेगा, और किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मीटर प्रति सेकेंड दिया नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर आपका चाल की यूनिट है यहां पे। नेक्स्ट है काल्पनिक रेखा, इमेजरी लाइन, जो आगे पीछे से एक दिशा से दूसरी दिशा दूसरी ओर पार करती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है सेजिटल तल, ठीक है, यह कहलाती है सेजिटल तल। नेक्स्ट दोस्तों धड़ यानी टॉर्सो का किसी एक ओर झुकाव किस प्लेन और अक्ष का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है फ्रंटल प्लेन और सेजिटल अक्ष का, फ्रंटल प्लेन और सेजिटल अक्ष का, ये ध्यान में रखिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों आइसोमेट्रिक संकुचन, कंट्रक्शन में मांसपेशियां क्या होती है, छोटी होती है कि लंबी होती है, कि ना छोटी होती है ना बड़ी होती है? तो दोस्तों कोई चेंज नहीं होता यहाँ पे, न पेशियां छोटी होती है ना बड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैसे दीवार को धक्का मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्कैपुला अस्थि स्थित है, तो स्कैपुला अस्थि जैसे कि आप सबको पता है अपर बैक यानी कि ऊपरी पृष्ठ भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें शरीर की किस अवस्था में अध्ययन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति में, गति में अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे दो तीन क्वेश्चन है अभी, कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में अंतर है, यानी कि मैकेनिक्स की शाखा काइनेमेटिक्स भी है काइनेटिक्स भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स, और मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पन्न बल का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पन्न बल का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। वही पे कहा जाता है कि बल के कारणों का अध्ययन किया जाता है तो काइनेमेटिक्स हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आंतरिक कंकाल तंत्र इंटरनल स्केलेटल सिस्टम में शामिल है, दोस्तों जैसे कि हमारा कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में हमारा बाल, नाखून ये सब आते हैं, जबकि आंतरिक कंकाल में अस्थि उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी नहीं दिया है, ओटोलॉजी दिया है, तो ऑस्टियोलॉजी होगा, ध्यान में देख दीजिएगा। नेक्स्ट है कुबड़े के रूप में जाना जाता है, कुबड़े के रूप में भी किसको जाना जाता है दोस्तों? काइफोसिस, जो हमारे पीठ वाला भाग जो है गोलाकार रूप में उभर जाता है, गोल पीठ भी उसको बोला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए इसको आप ध्यान में दीजिएगा, काइफोसिस को राउंड बैक, हंच बैक एंड घुमावदार पीठ आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर की मांसपेशियां होती हैं, तो दोस्तों बॉक्सर मसल्स बोला जाता है सेरेटस इंटीरियर को, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों अन्य चीजें जैसे कि रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोला जाता है, स्विमर मसल्स डेल्टॉइड या लैटिमस डोर्सी को बोला जाता है, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर को बोला जाता है, टेलर मसल्स सार्टोरियस को बोला जाता है,
मलखम या राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को बोला जाता है, लिफ्टर मसल्स डेल्टायड मसल्स को बोला जाता है, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोला जाता है, राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोला जाता है। ठीक है, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होता है दोस्तों, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स। दोस्तों जैसा कि कौन सी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, किस मांसपेशी का क्या काम है, इस सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले वातावरण में फेंकी गई वस्तु का मार्ग कहलाता है। तो दोस्तों खुले वातावरण में फेंकी गई वस्तु का मार्ग कहलाता है पैराबोला, परवलय कहलाता है। यहाँ पे सही रूप से नहीं लिखा गया है, जैसे कि खुले वातावरण में हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं या वस्तु ऐसे करके यहाँ पे जाके गिरी, ठीक है, ये चीज जो बीच वाला भाग होगा इसको हम परवलय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, खेल कूद की गतिविधियों में किस प्रकार का उत्तोलक सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो थर्ड प्रकार का उत्तोलक सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। इसका ट्रिक मैंने बताया है एफ ए आर, यानी कि 312, यानी कि ए के नीचे क्या है एक, यानी कि फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स के, और टू के नीचे आर के नीचे क्या है टू, यानी सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के, एंड एफ के नीचे थ्री है यानी कि फोर्स जो है थर्ड प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भुजा यानी कि आर्म की ऊंचाई में कौन सी पेशी शामिल है। तो दोस्तों सबसे भुजा के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा होता है, कंधे में डेल्टायड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लंबी अस्थि का क्या कार्य है। दोस्तों तो लंबी अस्थियां हमारे शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। लंबी अस्थियों में खोखला भाग होता है जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस गुजरता है। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरेगा, वर्टिकल ऐसे करके वर्टिकल एक्सिस गुजरेगा, तो ये क्या जमीन के लंबवत गुजर रहा है, नहीं ये आपका जमीन है, ये आपका क्या है जमीन है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क जमीन के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, जमीन के परपेंडिकुलर होगा जमीन के लंबवत। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी और सबसे भारी अस्थि होती है हमारी जांघ की फीमर अस्थि, जिसे उर्वास्थि भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एगोनिस्ट पेशियों में मांसपेशियां हैं। तो दोस्तों एगोनिस्ट हमारे जो पेशियां हैं कई तरह से काम करती हैं, एक मुख्य मांसपेशी के रूप में, तो कोई सहायक के रूप में, कोई प्रतिरोधी के रूप में ऐसे कार्य करती है। तो जो पेशी गति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पेशी गति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसको विपरीत कार्य करती है उसे कहते हैं प्रतिरोधी या एंटागोनिस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे हम अपने हाथ को फ्लेक्शन यानी मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे मोड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सी पेशी भूमिका अदा कर रहा है, तो बाइसेप्स। तो बाइसेप्स क्या हुआ हमारा एगोनिस्ट मसल्स हो गया। इसके विपरीत में कौन कार्य कर रहा है, तो ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स हमारा क्या हो गया, प्रतिस्पर्धी यानी कि एंटागोनिस्ट मसल्स हो गया, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कान की हड्डी होती है स्टेपीज, ठीक है, स्टेपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी मसल्स भी कान में ही होती है स्टेपीडियस। कान में तीन हड्डियां पाई जाती है, मिनस इनिकस स्टेपस, प्रत्येक कान में तीन दिन यानी कुल छह हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एक धावक जो 100 मीटर दौड़ को 10 सेकेंड में पूरी करता है तो उसका चाल क्या है। दोस्तों यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड कर रहा है तो वो 10 सेकेंड में आपका 100 मीटर दूरी तय करेगा, यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी धावक पर दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले लगने वाला बल है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक बल यानी रिएक्टिव फोर्स, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, वायु प्रतिरोध एयर रेसिस्टेंस, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है रीसेट एवं गति शब्दों का प्रयोग अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है जैव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तोलक में वजन बल तथा आलंब के बीच में होता है? ध्यान से पढ़िए, किस प्रकार के उत्तोलक में जो वजन होता है यानी बल यानी भार होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो फोर्स और एक्सिस के बीच में होता है। तो कौन होता है दोस्तों? आपको मैंने ट्रिक बताया है एफ ए आर, ठीक है, एफ ए आर। ये क्या पूछा है? 312, ठीक। तो ये क्या बोला है? वजन बीच में होता है। तो किसमें वजन बीच में दिखाई दे रहा है? आर के नीचे क्या है? टू, असिस्टेंस यानी भार है बीच में। तो सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में, राइट क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा सेकेंड प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कंदुक खलिका संधि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के चारों ओर निम्न में से गति कौन सी होती है? तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन खिंचाव फैलाव दोनों होगा, घूर्णन एंड सर्कमडक्शन यानी कि रोटेशन एंड सर्कमडक्शन भी होगा, हाइपर एक्सटेंशन भी होगा, एब्डक्शन एडक्शन, सभी प्रकार की गतियां होती है हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कंधे को, इसीलिए इसको रोटेटरी ज्वाइंट भी बोला जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। एंड यहाँ पे दिया है ऑस्टियोक्लास्ट, अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट बोला जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है अस्थियों की बीमारी है। नेक्स्ट दोस्तों, चाल का सूत्र क्या है? चाल का सूत्र है दूरी बट्टा समय। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोनों को कंफर्म आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हैमस्ट्रिंग पेशी कब संकुचित होती है? दोस्तों जो हमारे जांघ के पीछे की मसल्स होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, बाइसेप्स फेमोरिस एंड दो और पेशियां होता है जिसका नाम अभी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है और जो हमारे घुटने को मोड़ने में काम आती है, ठीक है, घुटने को मोड़ने में काम आती है। दोस्तों हाँ, कौन से तीन पेशियों से मिलकर बना होता है? बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडेनियस, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स जो घुटने के मोड़ने में काम आती है। हैमस्ट्रिंग पेशी, यहाँ पे क्वेश्चन है हैमस्ट्रिंग पेशी कब संकुचित होती है? तो घुटने के मोड़ने में काम आती है, तो क्या यानी कि खींचे हुए घुटने, जहाँ घुटने को मोड़ेंगे तो हमारा घुटना क्या है? खींचा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको सोच के आंसर देना है, ऑप्शन नंबर खो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जांघ के पिछले भाग में हैमस्ट्रिंग पेशी होती है जो तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। हैमस्ट्रिंग पूछेगा कि हैमस्ट्रिंग का क्या कार्य है, तो घुटने के मोड़ने का काम है। अगर वही बाइसेप्स फेमोरिस भी पूछेगा तो भी आप लिखेंगे, आंसर देंगे घुटने के मोड़ने में काम आता है क्योंकि उसी का ग्रुप है। और एक जांघ के सामने की जो मसल्स होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिसेप्स मसल्स। और क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है वो चार पेशियों से मिलकर बनी होती है। कितनी पेशियों से मिलकर बनी होती है? चार पेशियों से मिलकर बनी होती है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो घुटने के ऊपर जांघ के सामने की पेशी होती है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स क्या होती है? यह घुटने को फैलाने में और हिप को मोड़ने में काम आती है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल चार पेशियों से किस चार पेशियों से मिलकर बना होता है? तो यह रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये चार पेशियों से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जांघ के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जांघ के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है। नेक्स्ट दोस्तों, लैटिमस डोर्सी उपस्थित है। तो दोस्तों लैटिमस डोर्सी जो होता है वह कमर के ऊपरी भाग में यानी कि पृष्ठ पीठ भाग में होता है। नेक्स्ट, कोहनी मोड़ने की क्रिया निम्न द्वारा होती है। तो दोस्तों हम कोहनी को मोड़ रहे हैं तो मुख्य रूप से कौन भूमिका अदा कर रहा है? बाइसेप्स, ठीक है। कोहनी मोड़ने की क्रिया किसके द्वारा होता है? बाइसेप्स मसल के द्वारा, जो ह्यूमरस हड्डी के ऊपर होता है और उस ह्यूमरस हड्डी के पीछे ट्राइसेप्स मसल्स होती है। नेक्स्ट है लार्डोसिस, इसे भी कहा जाता है।
तो दोस्तों लार्डोसिस क्या होता है, जो हमारा कमर होता है वो गड्ढा हो जाता है, ठीक है। लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट, सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। कमर वाला भाग में आगे आगे की तरफ अत्यधिक कर्व बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि गोलाकार पीठ, आपको काइफोसिस को ही बोला जाता है, कुबड़े को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्विक पीठ, पोस्टीरियर बैक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एमपीटेट आप दिए होंगे तो उसके वर्ग 3 यानी कि प्राइमरी वाले एमपीटेट में पूछा गया था। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों के निर्माण में शामिल होता है, तो कौन होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों के विघटन में शामिल कौन होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट, ये ध्यान में रखिएगा। और ऑस्टियोसाइट क्या होता है? अस्थि कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वच्छी यानी थोरेसिक कंकाल तंत्र बना होता है। तो दोस्तों जो थोरेसिक कंकाल तंत्र होता है वह अस्थि उपास्थि दोनों से बना होता है। कैसे बना होता है? अस्थि उपास्थि दोनों से बना होता है। तो क ख यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये बार बार आ जाता है, तो करेक्ट आप ध्यान में रखिएगा। 2 से 6 हड्डियां होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे 2 से 6 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है, वच्छीय कंकाल और अपेंडिकुलर। वच्छीय कंकाल में एक्सियल बोन में 80 हड्डियां आती हैं और अपेंडिकुलर में हमारा अपर लिम लोअर लिम आता है। अपर लिम में 64 हड्डियां यानी दोनों हाथ कंधे हौसली मिलाकर के, एंड लोअर लिम में 62 हड्डियां, कुल 126 हड्डियां होती हैं अपेंडिकुलर में। और एक्सियल बोन वच्छीय में आपका 80 हड्डियां होती हैं। तो एक्सियल बोन में कितनी हड्डियां होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 80। तो जो भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों उसमें से ही क्वेश्चन आया था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वच्छी यानी थोरेसिक दीवार, वच्छी यानी थोरेसिक शरीर की दीवार की मांसपेशियां क्या है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा डायफ्राम। कौन सी पेशियां हैं? थोरेसिक वच्छीय दीवार की मांसपेशियां हैं डायफ्राम। जैसे कि हमारा फेफड़ा जो है डायफ्राम पेशी पर ही ऊपर सदा होता है, और डायफ्राम पेशी के सिकुड़ने फैलने से ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हायर समूह की पेशियां द्वारा प्रस्तुत सामान्य कार्य क्या है? जैसे हमारे जो गर्दन होता है, जो गर्दन के बीच में उठा हुआ भाग हायर बोन होता है, जैसे कि लड़कों में ज्यादा दिखाई देता है, लड़कियों में कम, तो हायर बोन का क्या कार्य होता है? यह निगलने और बोलने में, निगलते हुए बोलने का कार्य करता है, निगलते हुए बोलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मांसपेशी का नाम बताइए जो कुल जनसंख्या के केवल 8% लोगों में पाई जाती है। तो वह मांसपेशी कौन सा है दोस्तों? वह मांसपेशी है स्टर्नेलिस। कौन सा मांसपेशी है? स्टर्नेलिस। नेक्स्ट है कौन सी मांसपेशी पसलियों से जुड़ी नहीं है? तो यहाँ पे आपका कौन सा पसलियों से नहीं जुड़ी है इसको आपको बताना है। यहाँ पे सब क्लेवियन यानी कि जो हौसली होती है वो तो जुड़ी ही होती है, सब क्लेवियन जो होता है पसलियों से ही जुड़ी होती है। पेक्टोरलिस मेजर भी आपका है, वच्छ की पेशी, ये भी पसलियों से जुड़ी होती है। सेरेटस इंटीरियर भी जुड़ी होती है। यहाँ पे लिवेटर स्केपुली नहीं जुड़ी रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पेशी कंधों के मध्यम औसत घूर्णन देती है? कौन सी पेशी है जो कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है? यहां पे आपका हो जाएगा पेक्टोरेलिस मेजर, जो वच्छ की पेशी होती है, जो थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है, ये कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है। जैसे कि आप कंधे को उठा रहे हैं तो जो वच्छ की पेशी होती है वो भी, जैसे आप कोई थ्रो कर रहे हैं तो वच्छ की पेशी मुख्य रूप से काम करती है। कौन सी पेशी? पेक्टोरलिस मेजर, थ्रोइंग मसल्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मांसपेशी स्केपुला अस्थि के निचले भाग से जुड़ी रहती है? तो स्केपुला अस्थि के निचले भाग से कौन सी मांसपेशी जुड़ी रहती है? तो टेरिस मेजर। यहां पे कौन है? टेरिस मेजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है? तो कौन सा मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का काम करती है? तो थीनर पेशी। कौन सा मांसपेशी करती है? थीनर पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के अध्ययन के लिए निम्न की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, गति के अध्ययन के लिए समय, दूरी, वेग, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पेशी तीन संधियों को पार करती है? तो कौन सी मांसपेशी होती है दोस्तों? बाइसेप्स ब्रोंकी। कौन सा होती है? बाइसेप्स ब्रोंकी। मसल्स जो होती है तीन संधियों को पार करती है। नेक्स्ट है, सब स्केपुलरिस पेशी का क्या कार्य है? तो सब स्केपुलरिस संधि का पेशी का कार्य है कंधों का औसत घूर्णन। क्या कार्य है? कंधों का औसत घूर्णन। तो दोस्तों, ये था 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपका हल्के में हो। सभी क्वेश्चंस को सोच समझ के ही आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही आंसर दे लेंगे। तो सभी क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए।